हो गया कि घर में कोई संतान नहीं हुई। तारा भी बहुत बड़ी पतिव्रता है, राज भी बहुत लंबा है, लेकिन घर में कोई बालक नहीं हुआ। हरिश्चंद्र महाराज बड़े ही सत्यवादी राजा थे, लेकिन आंगन में कोई बालक ना होने के कारण बहुत दुखी हुआ करते हैं। और संसार में सुखिया तो हमें कोई दिखाता ही नहीं है, एक न एक दुख तो हर किसी के पीछे लगा हुआ है। जरा गौर करें, परम पूज गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी गाया करते थे, आज के संसार में और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। एक न एक दुख, कोई अधिकारी से दुखी तो कोई बीमारी से, कोई खेती बाड़ी से तो कोई अपनी घरवारी से, कोई अपनी घरवारी से तो कोई सारी से। मेरा मतलब है एक न एक कष्ट, जरा गौर करते हैं, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। किस कोई अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है, इतना सम्मान मिल रहा है जो बैठने का समय नहीं है। मेरा मतलब है लॉकडाउन के बाद तो सारा संसार ही दुखी हो गया। जरा गौर करें क्यों दुखी हो गया, घर घर में आजकल लगी महंगाई मार गई। देखिए कितना परिवर्तन हो गया, घर घर में आजकल लगी महंगाई मार गई, करके हूँ मिले उधार तो पिसाई मार गई। इतनी महंगाई और कर्मचारी लोगों की सफाई मार गई, बच्चों से लेके बूढ़ों की दवाई मार गई, और बाकी जो बचा तो ये जुदाई। कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र के आंगन में पत्नी तारा के गर्भ से मेरी बहनाओं कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, कोई